नो, जो नेक्स्ट टॉपिक है आपके पास क्या है? आपके पास जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज अ पास्कल्स लॉ या फिर आपके पास हाइड्रोस्टैटिक लॉ, ठीक है। तो अब देखिए, अब पहले आप समझते हैं कि ये पास्कल्स लॉ बेसिकली है क्या। देखो, पास्कल्स लॉ क्या है, अगर पास्कल्स लॉ के स्टेटमेंट को आप देखते हो, पास्कल्स लॉ के अगर हम स्टेटमेंट पे जाते हैं तो स्टेटमेंट क्या बोलता है, स्टेटमेंट ये बोलता है इफ फ्लूइड इज इन स्टैटिक, अगर आपके पास जो फ्लूइड है, फ्लूइड अगर आपके पास क्या है, स्टैटिक है, देन इंटेंसिटी ऑफ प्रेशर, इंटेंसिटी ऑफ प्रेशर फ्रॉम ऑल द डायरेक्शन आर सेम, ठीक है। तो आपके पास जो पास्कल्स लॉ के अगर स्टेटमेंट के बारे में बात करते हैं तो स्टेटमेंट क्या बोलता है, स्टेटमेंट आपके पास बोलता है कि अगर फ्लूइड आपके पास क्या है, फ्लूइड आपके पास स्टैटिक कंडीशन पे है तो दैट इंटेंसिटी ऑफ द प्रेशर फ्रॉम ऑल द डायरेक्शन आर सेम, क्लियर। अब देखिए इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है, अब देखो यहां से अगर मैं बोलता हूँ कि मान लीजिए मेरे पास कोई फ्लूइड है और वो आपके पास कैसी कंडीशन में है, वो आपके पास स्टैटिक कंडीशन पे है, ठीक है। फ्लूइड आपके पास जो है वो स्टैटिक कंडीशन पे है, और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं आपके पास एक एलिमेंट कंसीडर करता हूँ, एक फ्लूइड एलिमेंट अगर कंसीडर करता हूँ, ये मेरे पास एक फ्लूइड एलिमेंट है, ठीक। तो ये जो फ्लूइड एलिमेंट आप देख रहे हो, इस फ्लूइड एलिमेंट में जो आपके पास हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर आने वाला है, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, राइट, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर जो आने वाला है, अगर मान लो एक डायरेक्शन से मैं बोलता हूँ पी एक्स है, वाई डायरेक्शन से मैं बोलता हूँ अगर मेरे पास पी वाई है, और मेरे पास जेड डायरेक्शन से मैं बोलता हूँ मेरे पास क्या है, मेरे पास पी जेड है, तो अगर मैं बात करता हूँ पास्कल्स लॉ के हिसाब से, तो पास्कल्स लॉ के हिसाब से दैट पी एक्स इज इक्वल टू पी वाई इज इक्वल टू पी जेड इज इक्वल टू पी, क्लियर हो गई बात, ठीक है। तो ये आपके पास क्या है, ये आपके पास पास्कल्स लॉ है, ठीक है। तो ये तो बात हो गई सिंपल सी बात, ठीक है, ये आपके पास बुक्स में भी यही दिया होता है, तो ये बहुत ही आपके पास सिंपल सा है, दैट इज अ हाइड्रोस्टैटिक लॉ या फिर पास्कल्स लॉ, ठीक है। अब देखो इसमें समझने वाली बात क्या है, समझने वाली बात ये है कि सबसे पहले आपके पास ये जो फ्लूइड की बात जो चल रही है यहाँ पे, ठीक है, ये जो फ्लूइड की बात चल रही है, कौन सा फ्लूइड है, ये आपके पास रियल फ्लूइड है या ये आपके पास आइडियल फ्लूइड है, मेरा क्वेश्चन ये है आपके पास, गेटिंग माई पॉइंट। तो पहला क्वेश्चन अगर मैं बोलूँ, पहला क्वेश्चन अगर यहाँ पे आ रहा है, तो पहला क्वेश्चन ये आ रहा है, जो ये फ्लूइड की आप बात कर रहे हो, ये आपके पास कौन सा फ्लूइड है, ये आइडियल फ्लूइड है या ये आपके पास रियल फ्लूइड है, सो पहला क्वेश्चन ये है। सेकंड क्वेश्चन जो मेरे पास यहाँ पे ये है, क्या अगर मेरे पास फ्लूइड अगर मोशन में है, अगर मेरे पास फ्लूइड मोशन में है तो क्या पास्कल्स लॉ वैलिड होगा, पास्कल्स लॉ वैलिड होगा या नहीं होगा, और अगर आपके पास पास्कल्स लॉ वैलिड हो रहा है, अगर फ्लूइड आपके पास मोशन में है और पास्कल्स लॉ अगर वैलिड हो रहा है, तो वो फ्लूइड कौन सा फ्लूइड है, वो फ्लूइड आपके पास आइडियल फ्लूइड है या वो फ्लूइड आपके पास रियल फ्लूइड है, क्लियर है पॉइंट, ठीक है। तो ये आपके पास नंबर ऑफ क्वेश्चंस निकल के आते हैं जब आप बात करते हो पास्कल्स लॉ, क्लियर है पॉइंट, ठीक है। तो डायरेक्टली आपके एग्जाम में आपके पास क्वेश्चन ये भी आया हुआ है कि अगर आपके पास एक फ्लूइड है और वो मोशन में है, ठीक है, तो मोशन में और पास्कल्स लॉ वैलिड है, तो बताइए वो किस टाइप का फ्लूइड है, समझ रहे हैं मेरी बात। तो सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि आपके पास जब मैं पास्कल्स लॉ की बात करता हूँ, देखो स्टेटमेंट वाइज तो एकदम क्लियर है भैया, ये स्टेटमेंट मैंने आपको बता दिया, ठीक है, लेकिन क्वेश्चन यहाँ से ये उठ के आता है कि जो फ्लूइड की हम बात कर रहे हैं वो फ्लूइड कौन सा है, वो फ्लूइड रियल फ्लूइड है या आइडियल फ्लूइड है, ठीक है। तो ये तो बात क्लियर हो गई, पास्कल्स लॉ स्टैटिक कंडीशन में वैलिड है, क्वेश्चन ये है क्या आपके पास डायनामिक कंडीशन में, मतलब फ्लूइड अगर मोशन में है तो भी क्या पास्कल्स लॉ वैलिड है, ठीक है। तो ये नंबर ऑफ क्वेश्चन है, इन नंबर ऑफ क्वेश्चन के आपको आंसर देने हैं, क्लियर है पॉइंट, ठीक है। अब देखिए यहां से अगर मैं बात करता हूं किसकी, अब देखिए ये मैं हटा देता हूं यहां से, देखो एक मैं आपको, ठीक है, मैं इस चीज का डेरिवेशन नहीं कर रहा हूं और नीड भी नहीं है डेराइव करने की, ठीक है, बट एक समझिए एक सिंपल सा आपके पास कॉन्सेप्ट है, पास्कल्स लॉ उस हर एक सिचुएशन में वैलिड है जिस सिचुएशन में शियर स्ट्रेस की वैल्यू क्या होती है, शियर स्ट्रेस की वैल्यू आपके पास जीरो होती है, ठीक है। तो मैंने आपको क्या कॉन्सेप्ट दिया, मैंने आपको कॉन्सेप्ट ये बताया कि जो पास्कल्स लॉ है, पास्कल्स लॉ वैलिड कब है, पास्कल्स लॉ वैलिड है जब आपके पास जो शियर स्ट्रेस की वैल्यू जो होगी वो शियर स्ट्रेस की वैल्यू क्या होगी, शियर स्ट्रेस की वैल्यू जीरो है। अगर किसी भी कंडीशन पर अगर आपके पास शियर स्ट्रेस की वैल्यू अगर जीरो है तब आप क्या बोल सकते हो, तब ये बोल सकते हो कि जो पास्कल्स लॉ होगा, पास्कल्स लॉ क्या होगा, पास्कल्स लॉ वैलिड होगा, क्लियर है कोई बात, ठीक है। अब देखिए अब आप ये समझते हैं कि आपके पास शियर स्ट्रेस किस किस कंडीशन में जीरो होगा, शियर स्ट्रेस जो है वो किस किस कंडीशन में जीरो होगा। तो सबसे पहले देखिए, सबसे पहले मैं अगर बात करता हूं, सबसे पहले मैं ये बोलता हूं कि अगर आपके पास रियल फ्लूइड जो है, ठीक है, रियल फ्लूइड है तो रियल फ्लूइड की दो कंडीशन हो सकती है, अगर मैं बात करता हूँ रियल फ्लूइड तो रियल फ्लूइड की दो कंडीशन हो सकती है, या तो आपके पास रियल फ्लूइड है वो स्टैटिक कंडीशन में होगा
स्टैटिक कंडीशन में होगा या तो आपके पास क्या होगा वो जो रियल फ्लूइड है वो मोशन में होगा, ठीक है। आपके पास रियल फ्लूइड है, रियल फ्लूइड की दो कंडीशन है आपके पास, या तो आपके पास वो स्टैटिक कंडीशन में होगा या तो आपके पास क्या होगा वो मोशन कंडीशन पे होगा। अगर वो स्टैटिक कंडीशन पे है तो, अगर स्टैटिक कंडीशन में है तो आपको ये पता है कि जो यू है वो यू क्या होगा, जीरो। और अगर u जीरो है तो मैं यहां से क्या बोल सकता हूं कि जो du होगा वो भी जीरो होगा, और अगर du जीरो है तो du by dy क्या होगा, du by dy by भी जीरो होगा। अब देखिए, अब मैं बात करता हूं किसके, मैं बात करता हूं न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी, न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी। और ये आपने पढ़ा है न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी की जब आप बात करते हो तो आपने क्या पढ़ा है कि दैट tau इज इक्वल टू म्यू du by dy, ये आपने पढ़ा है, राइट। तो देखिए, अगर आपके पास रियल फ्लूइड है स्टैटिक कंडीशन में है, तो अगर रियल फ्लूइड स्टैटिक कंडीशन में है तो उस केस में यू की वैल्यू जीरो, यू की वैल्यू जीरो, डी यू बाई डी वाई क्या होगा, डी यू बाई डी वाई आपके पास जीरो होगा, तो आपके पास शियर स्ट्रेस की वैल्यू क्या आ गई, शियर स्ट्रेस की वैल्यू जीरो आ गई। तो इस केस में आपके पास पास्कल्स लॉ क्या है, पास्कल्स लॉ आपके पास वैलिड है, ठीक है। मैंने यही बताया था कि अगर शियर स्ट्रेस की वैल्यू आपके पास जीरो होती है तब आपके पास क्या होगा, तब आपके पास पास्कल्स लॉ वैलिड होगा, ठीक है। तो ये बात हो गई पहली। अब देखिए, अगर मैं बोलता हूँ रियल फ्लूइड है और रियल फ्लूइड मेरे पास मोशन में है, तो अगर रियल फ्लूइड अगर मेरे पास मोशन में है तो भैया u इज नॉट इक्वल टू जीरो, ठीक है, u इज नॉट इक्वल टू जीरो। अब यहां से देखिए, यहां से दो पॉसिबिलिटीज है, क्या दो पॉसिबिलिटीज है आपके पास अगर u जीरो नहीं है, ठीक है, तो एक पॉसिबिलिटी ये है कि जो du होगा वो आपके पास नॉट इक्वल टू जीरो, और जो दूसरी पॉसिबिलिटी है वो मेरे पास क्या है, du इज इक्वल टू जीरो, ठीक है। अगर मेरे पास फ्लूइड मोशन में तो दो पॉसिबिलिटीज है, u इज नॉट इक्वल टू जीरो, सो du इज नॉट इक्वल टू जीरो एंड du इज इक्वल टू जीरो, ये दो पॉसिबिलिटीज है, ठीक है। देखिए, अगर मैं du इज नॉट इक्वल टू जीरो, इसका मतलब, अगर मैं ये बोलता हूँ इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि जो दो लेयर की अगर मैं बात करता हूँ तो दोनों लेयर की जो वेलोसिटीज है वो अलग अलग है, ठीक है। अगर मैं दो लेयर की बात करता हूँ तो दोनों लेयर की जो वेलोसिटीज है वो अलग अलग है, और अगर मैं बात करता हूँ du इज इक्वल टू जीरो, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि अगर मैं दो लेयर की बात करता हूँ तो दो लेयर के बीच में जो वेलोसिटी है वो सेम है, मोशन कर रहा है, ठीक है, मोशन है, u है, बट du की वैल्यू क्या है, du की वैल्यू जीरो है, दोनों के बीच में रिलेटिव वेलोसिटी नहीं है, क्लियर हो गई बात, ठीक है। तो अगर आपके पास ऐसी कंडीशन जहां पे आपके पास फ्लूइड पार्टिकल के बीच में रिलेटिव वेलोसिटी नहीं होती, रिलेटिव वेलोसिटी की वैल्यू क्या है, रिलेटिव वेलोसिटी की वैल्यू जीरो है, ठीक है, इस मोशन को हम क्या बोलते हैं, इस मोशन को हम बोलते हैं रिजिड बॉडी मोशन, दैट मोशन इज कॉल्ड रिजिड बॉडी मोशन, क्लियर है पॉइंट, ठीक है। तो देखिए, रिजिड बॉडी मोशन के बारे में मैं बात करूंगा आगे, ठीक है, बट अभी मैं यहां पे ये बात नहीं कर रहा हूं, बट यहां पे चीजों को समझिएगा, ठीक है। देखिए, अगर मैं बात करता हूं किसकी, अगर मैं बात करता हूं रियल फ्लूइड है मोशन में तो दो पॉसिबिलिटीज है, यू इज नॉट इक्वल टू जीरो, बट यू इज नॉट इक्वल टू जीरो, देन डी यू इज नॉट इक्वल टू जीरो एंड डी यू इज इक्वल टू जीरो। इफ डी यू इज नॉट इक्वल टू जीरो देन डी यू बाई डी वाई इज नॉट इक्वल टू जीरो एंड देन टाउ इज नॉट इक्वल टू जीरो, दैट मीन्स पास्कल्स लॉ इज इनवैलिड, पास्कल्स लॉ इज इनवैलिड, पास्कल्स लॉ यहाँ पे क्या होगा, पास्कल्स लॉ यहाँ पे वैलिड नहीं होगा, ठीक है। लेकिन अगर मैं बात करता हूँ, ठीक है, रिजिड बॉडी मोशन के केस में, तो रिजिड बॉडी मोशन के केस में जो पास्कल्स लॉ होगा वो पास्कल्स लॉ क्या होगा, वो पास्कल्स लॉ मेरे पास वैलिड होगा, क्लियर हो गई इतनी बात, ठीक है। रिजिड बॉडी मोशन के केस में जो पास्कल्स लॉ होगा, पास्कल्स लॉ क्या होगा आपके पास वैलिड होगा। अब रिजिड बॉडी मोशन क्या होता है मैं आगे आपसे बात करने वाला हूँ, ठीक है, बट टाइमिंग इतना समझिए कि अगर आपके पास रियल फ्लूइड है स्टैटिक कंडीशन, मोशन कंडीशन, स्टैटिक कंडीशन है, पास्कल्स लॉ वैलिड होगा। अगर मोशन में है तो मोशन में रिजिड बॉडी मोशन के केस में पास्कल्स लॉ जो वैलिड होगा, लेकिन अगर रिजिड बॉडी मोशन नहीं है तो पास्कल्स लॉ क्या होगा, पास्कल्स लॉ इनवैलिड होगा, पास्कल्स लॉ इज नॉट वैलिड, क्लियर हो गई बात, ठीक है। अब देखिए, अब मैं बात करता हूँ किसकी, ये तो बात हो गई मेरे पास रियल फ्लूइड की, अब मैं बात करता हूँ किसकी, अब मैं बात करता हूँ आइडियल फ्लूइड की, ठीक है। तो अगर देखिए, मैं आइडियल फ्लूइड के बारे में अगर बात करता हूं, आइडियल फ्लूइड, सो देखो आइडियल फ्लूइड के केस में भी दो पॉसिबिलिटीज हैं, क्या दो पॉसिबिलिटीज हैं, कि आपके पास वो जो आइडियल फ्लूइड है वो स्टैटिक कंडीशन में हो सकता है, या फिर वो जो आइडियल फ्लूइड है वो कैसा हो सकता है, वो आपके पास मोशन में हो सकता है, वो जो आइडियल फ्लूइड है वो स्टैटिक कंडीशन में हो सकता है, या वो जो आइडियल फ्लूइड है वो मोशन में हो सकता है, ठीक है। अब देखिए, आइडियल फ्लूइड का मतलब आप क्या पढ़े हो, आइडियल फ्लूइड का मतलब आप ये पढ़े हो कि ऐसा फ्लूइड जिसकी विस्कोसिटी क्या होती है, जिसकी विस्कोसिटी जीरो होती है, उस फ्लूइड को मैं क्या बोलता हूँ, उस फ्लूइड को मैं बोलता हूँ आइडियल फ्लूइड। सो अगर मैं यहाँ से स्टैटिक कंडीशन में बोलता हूँ तो देखिए, टाउ इज इक्वल टू लिखूंगा म्यू डी यू बाई डी वाई, तो म्यू की वैल्यू तो क्या है, म्यू की वैल्यू जीरो इन केस ऑफ द आइडियल फ्लूइड, तो टाउ की वैल्यू क्या होगी, टाउ की वैल्यू जीरो, राइट। वैसे अगर मैं मोशन में बात करता हूँ तो मोशन में भी अगर आपके पास फ्लूइड पार्टिकल मोशन कर रहा है, तो फ्लूइड पार्टिकल अगर मोशन कर रहा है तो म्यू की वैल्यू क्या होगी, म्यू की वैल्यू जीरो। फ्लूइड पार्टिकल अगर मोशन कर रहा है, और फ्लूइड पार्टिकल कौन सा है, वो आइडियल फ्लूइड है,
अगर मोशन कर रहे तो म्यू की वैल्यू क्या होगी, म्यू की वैल्यू जीरो, अगर म्यू की वैल्यू जीरो होगी तो यहाँ पे भी टाउ की वैल्यू क्या होगी, टाउ की वैल्यू जीरो होगी। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है अगर आइडियल फ्लूइड चाहे स्टैटिक में हो या फिर आपके पास क्या हो, आपके पास मोशन में हो, पास्कल्स लॉ क्या होगा, पास्कल्स लॉ वैलिड, यहाँ पे भी पास्कल्स लॉ वैलिड होगा और यहाँ पे भी आपके पास पास्कल्स लॉ वैलिड होगा। क्लियर हो गई बात, ठीक है। तो पास्कल्स लॉ कब कब वैलिड है, पास्कल्स लॉ उस हर एक सिचुएशन में वैलिड है जिस सिचुएशन में आपके पास शियर स्ट्रेस की वैल्यू क्या होती है, शियर स्ट्रेस की वैल्यू जो है वो जीरो होती है, ठीक है। तो ये बात हो गई आपके पास पास्कल्स लॉ की। अब इसको समझते हैं थोड़ा सा रिजिड बॉडी मोशन, ये जो रिजिड बॉडी मोशन की बात कर रहा हूं, ये रिजिड बॉडी मोशन का मतलब थोड़ा सा समझते हैं यहां पे, ठीक है। सो अगर मैं बात करता हूँ किसकी, अगर मैं बात करता हूँ रिजिड बॉडी मोशन, रिजिड बॉडी मोशन इसका मतलब पहले अपन समझते हैं। इसका मतलब ये होता है कि जो लिक्विड पार्टिकल्स होंगे या जो फ्लूइड पार्टिकल्स हैं, लिक्विड पार्टिकल्स, लिक्विड्स आर इन रिलेटिव इक्विलिब्रियम, रिलेटिव इक्विलिब्रियम, ठीक है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है द लिक्विड पार्टिकल्स और फ्लूइड पार्टिकल्स आर रिलेटिव इक्विलिब्रियम। देखिए इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि अगर आपके पास फ्लूइड मास है और फ्लूइड मास का अगर आपके पास मोशन हो रहा है तो फ्लूइड का जो मास का जो मोशन है एक सॉलिड बॉडी की तरह होगा, ठीक है। जैसे जब अगर एक सॉलिड बॉडी की बात करते हैं और एक सॉलिड बॉडी अगर फॉर एग्जाम्पल ट्रांसलेट कर रहा है, एक सॉलिड बॉडी की बात करते हैं तो सॉलिड बॉडी अगर आपके पास ट्रांसलेट कर रहा है तो आप क्या देखते हो कि जो हर एक पार्टिकल की जो वेलोसिटी होगी वो आपके पास सेम है। सपोज एक सॉलिड बॉडी है और वो एक सॉलिड बॉडी ट्रांसलेट कर रही है तो हर एक पार्टिकल की जो वेलोसिटी है वो क्या है, हर एक पार्टिकल की वेलोसिटी जो है वो सेम है। तो अगर मैं दो पार्टिकल के बीच में अगर मैं आपसे पूछूं व्हाट इज द रिलेटिव वेलोसिटी तो आपका आंसर क्या होगा, ठीक है, दैट आंसर इज जीरो। दो पार्टिकल के बीच में जो रिलेटिव वेलोसिटी है वो रिलेटिव वेलोसिटी क्या होगा, जीरो होगा। क्लियर हो गई बात, ठीक है। तो वैसे ही अगर मैं बात करता हूं, जब मैं रिजिड बॉडी मोशन की बात करता हूं फ्लूइड के केस में, तो जो फ्लूइड मास है दैट फ्लूइड मास इज एक्ट लाइक अ सॉलिड बॉडी, ठीक है। फ्लूइड मास है जो एक एक आपके पास फ्लूइड मास के पार्टिकल की बात करते हुआ तो फ्लूइड मास का जो हर एक पार्टिकल है उसकी वेलोसिटी क्या है, उसकी वेलोसिटी आपके पास सेम है। मतलब आपके पास जो रिलेटिव वेलोसिटी क्या है, रिलेटिव वेलोसिटी आपके पास जीरो होगी। दो पार्टिकल के बीच की जो रिलेटिव वेलोसिटी क्या होगी, जीरो होगी। ऐसे मोशन को हम क्या बोलते हैं, ऐसे मोशन को हम बोलते हैं रिजिड बॉडी मोशन, ठीक है। तो रिजिड बॉडी मोशन आपके पास अगर देखता हूं तो यहां से रिजिड बॉडी मोशन एक मैं देखता हूं किसमें, एक मैं देखता हूं रोटेशन, रोटेशन में रिजिड बॉडी मोशन, और एक मैं किस में देखता हूं, एक मैं देखता हूं ट्रांसलेशन, ट्रांसलेशन रोटेशन में रिजिड बॉडी मोशन और ट्रांसलेशन में रिजिड बॉडी मोशन। देखिए अगर मैं रोटेशन की बात करता हूं तो रोटेशन में दैट फोर्स वोर्टेक्स मोशन, फोर्स वोर्टेक्स मोशन इज एग्जाम्पल ऑफ द रिजिड बॉडी मोशन, फोर्स वोर्टेक्स मोशन इज एग्जाम्पल ऑफ द रिजिड मोशन, फोर्स वोर्टेक्स मोशन इज एग्जाम्पल ऑफ द रिजिड बॉडी मोशन। अब ये फोर्स वोर्टेक्स मोशन का मतलब क्या है, फोर्स वोर्टेक्स मोशन का मतलब ये है कि जैसे कि फॉर एग्जाम्पल सी, यहाँ से अगर आप देखते हो मान लीजिए आपके पास ये कंटेनर है और कंटेनर में आपके पास क्या है, कंटेनर में आपके पास मान लीजिए कोई लिक्विड फिल है, ठीक, और इसको आप क्या कर रहे हो, आपने बीच में एक शाफ्ट लगाया है और यहाँ से आप क्या कर रहे हो, कॉन्स्टेंट एंगुलर वेलोसिटी आप क्या कर रहे हो, आप उसको घुमा रहे हो, ठीक है। तो आपके पास क्या होगा, जब ओमेगा की वैल्यू जीरो तो ये आपके पास फ्री सरफेस है ना, ओमेगा की वैल्यू आपके पास क्या होगी, ओमेगा की वैल्यू अगर कुछ ना कुछ होगी तब आपके पास जो फ्री सरफेस है ये नहीं होगा, फ्री सरफेस आपके पास कुछ इस वे में होगा, ये आपके पास फ्री सरफेस होगा। क्लियर है पॉइंट, ठीक है। तो इस टाइप के मोशन को हम क्या बोलते हैं, इस टाइप के मोशन को हम बोलते हैं फोर्स वोर्टेक्स मोशन। तो फोर्स वोर्टेक्स मोशन किसका एग्जाम्पल है, फोर्स वोर्टेक्स मोशन आपके पास एग्जाम्पल है रिजिड बॉडी मोशन का। क्लियर हो गई इतनी बात, ठीक है। इस केस में आपके पास पास्कल्स लॉ क्या होगा, इस केस में आपके पास पास्कल्स लॉ जो है वैलिड है, इस केस में जब आपके पास पास्कल्स लॉ क्या होगा, पास्कल्स लॉ वैलिड होगा, ठीक है। नाउ सेकंड आपके पास क्या है, सेकंड आपके पास ट्रांसलेशन। अब देखो ट्रांसलेशन, ट्रांसलेशन का एग्जांपल अगर मैं बताऊं आपको, ट्रांसलेशन आपके पास मान लीजिए आपके पास क्या है, एक कंटेनर है, सी एक आपके पास कंटेनर है और उस कंटेनर में आपके पास क्या है, उस कंटेनर में आपके पास लिक्विड फिल है, ठीक है। अब देखिए आपके पास ये जो कंटेनर है, ये कंटेनर क्या हो रहा है, ये कंटेनर आपके पास कांस्टेंट एक्सीलरेशन से, ठीक है, एक्सीलरेशन क्या है, एक्सीलरेशन आपके पास ए है, कांस्टेंट एक्सीलरेशन से एक्सीलरेट हो रहा है। अगर ये कांस्टेंट एक्सीलरेशन से एक्सीलरेट हो रहा होगा तो ये पूरा का पूरा जो फ्लूइड मास है, ये पूरा का पूरा जो एक फ्लूइड मास है आपके पास क्या होगा, एक सॉलिड बॉडी की तरह बिहेव कर रहा है,
ठीक है, मतलब दो पार्टिकल के बीच में आपके पास रिलेटिव वेलोसिटी क्या है, दैट इज जीरो। ठीक है, तो इस केस में आपके पास क्या होगा, इस केस में भी आपके पास पास्कल्स लॉ क्या होगा, पास्कल्स लॉ वैलिड होगा। ठीक है, अब देखिए अगर ये कांस्टेंट एक्सेलरेशन से आगे की तरफ बढ़ रहा है तो आपके पास जो फ्री सरफेस होगा, ठीक है, जब एक्सेलरेशन की वैल्यू जीरो तब आपके पास ये फ्री सरफेस है, अब जब अगर कांस्टेंट एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है तो दिस इज द फ्री सरफेस, ये आपके पास क्या है, ये आपके पास फ्री सरफेस है। ठीक है, और ये आपके पास क्या है, ये आपके पास एंगल ले लीजिए, दिस इज थीटा। ठीक है, और ये जो एंगल है आपको कभी कभी पूछ लेता है, ठीक है, तो ये एंगल थीटा कितना होगा कि तो आपसे पूछता है। ठीक है, अब इधर समझिए, तो इस केस में आपके पास क्या है, इस केस में आपके पास मैं ये बोल सकता हूँ कि पास्कल्स लॉ क्या होगा, पास्कल्स लॉ यहाँ पे भी पास्कल्स लॉ वैलिड होगा, पास्कल्स लॉ क्या है, पास्कल्स लॉ यहाँ पे वैलिड होगा। ठीक है, और ये जो थीटा है कभी कभी आपके एग्जाम में पूछता है ये थीटा क्या होगा, तो थीटा आप आराम से निकाल सकते हो। आप यहाँ पे क्या करते हो, ये जो फ्री सरफेस है यहाँ पे आपके पास अगर एक फ्लूइड मास कंसिडर करोगे, ये आपके पास फ्लूइड मास है। ठीक है, और फ्लूइड मास अगर आप देख रहे हो, ये आपके पास मान लीजिए फ्लूइड मास है, इस फ्लूइड मास को अगर आप बाहर फेंकोगे, ठीक है, तो ये आपके पास क्या हो गया, ये आपके पास एंगल है, ये एंगल आपके पास थीटा हो गया। ठीक है, ये आपके पास एंगल क्या है, ये आपके पास एंगल थीटा है। वेट इसका कहाँ एक्ट करेगा, वेट इसका नीचे की तरफ एक्ट करेगा, ये हो गया डब्ल्यू। ठीक है, इसके दो कॉम्पोनेंट होंगे, ठीक है, एक कॉम्पोनेंट होगा आपके पास इस डायरेक्शन में और एक कॉम्पोनेंट होगा आपके पास इस डायरेक्शन में, राइट। अब आपके पास ये जो एंगल है, ये जो एंगल आप देख रहे हो ना, अगर आपके पास ये जो एंगल होगा ये कितना होगा, ये हो गया आपके पास थीटा, तो ये कॉम्पोनेंट कितना हो जाएगा, राइट, ये एंगल थीटा होगा। ठीक है, अगर ये आपके पास इसका परपेंडिकुलर है इसके, तो ये एंगल थीटा हो गया, नो ये कॉम्पोनेंट कितना हो जाएगा, ये हो गया डब्ल्यू साइन थीटा, और ये कॉम्पोनेंट कितना हो जाएगा, दैट इज डब्ल्यू कॉस थीटा। क्लियर हो गई बात। ठीक है, अब देखो अगर एक्सेलरेशन की बात करते हो तो एक्सेलरेशन, ठीक है, एक्सेलरेशन के भी दो कंपोनेंट होंगे, एक्सेलरेशन का दो कंपोनेंट होगा, ये आपके पास इस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन के दो कंपोनेंट होंगे, आपके पास एक कंपोनेंट होगा ये वाला और एक कंपोनेंट होगा ये वाला, ये आपके पास एक्सेलरेशन का कंपोनेंट हो गया। ठीक है, तो ये एंगल थीटा, तो ये एंगल क्या हो जाएगा थीटा, अब ये एक्सेलरेशन का कंपोनेंट ये क्या हो जाएगा ए कॉस थीटा, और ये क्या हो जाएगा, ये हो गया ए साइन थीटा, राइट। अब यहाँ से अगर आप देखते हो, अगर आप इक्वेशन लगाते हो, क्या इक्वेशन लगाते हो, न्यूटन इक्वेशन ऑफ मोशन, तो आप क्या लिखते हो, समेशन एफ इजिकल टू एम ए, आप लिखते हो समेशन एफ इजिकल टू, आप क्या लिखते हो एम ए। सो अगर मैं यहाँ से क्या करता हूँ, अगर यहाँ से मैं कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाऊँ इसका, तो कोऑर्डिनेट सिस्टम ये हो गया मेरे पास क्या, ये हो गया मेरे पास प्लस एक्स डायरेक्शन, और ये हो गया आपके पास, ये हो गया आपके पास वाई डायरेक्शन, प्लस एक्स माइनस एक्स प्लस वाई माइनस वाई। ठीक है, तो अब देखो समेशन एफ एक्स, तो एक्स डायरेक्शन में आपके पास वेट, वेट का कौन सा कॉम्पोनेंट एक्ट कर रहा है, तो वेट का आपके पास कॉम्पोनेंट जो है दैट इज डब्ल्यू साइन थीटा, डब्ल्यू साइन थीटा ये एक्ट कर रहा है, दैट इज इक्वल टू एम इन टू एक्सेलरेशन का एक्स डायरेक्शन में कंपोनेंट, ये एक्स डायरेक्शन है तो एक्सेलरेशन का कंपोनेंट क्या है, दैट इज ए कॉस थीटा। तो यहाँ से आप देखोगे साइन थीटा बाई कॉस थीटा, ये हो जाएगा क्या, ये हो गया आपके पास टैन थीटा, और यहाँ से आपके पास क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एम ए, और ये हो जाएगा क्या डब्ल्यू, ये हो गया एम जी, एम से एम गया, तो आपके पास टैन थीटा इज इक्वल टू क्या आ गया, दैट इज ए बाई जी, या आपके पास मैं बोल सकता हूँ थीटा इज इक्वल टू, थीटा इज इक्वल टू कितना आ गया, दैट इज टैन इनवर्स ए बाई जी, टेन इनवर्स ए बाई जी। ठीक है, तो कभी कभी आपके एग्जाम में ये पूछ लेता है ये बताइए ये थीटा कितना होगा, तो रिमेंबर दैट थीटा इज नथिंग बट द टेन इनवर्स ए बाई जी। क्लियर हो गई बात इतनी। ठीक है, तो रिजिड बॉडी मोशन, रिजिड बॉडी मोशन में दो केसेस, एक रोटेशन एक ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन अगर आपके पास एक कंटेनर है, कांस्टेंट एक्सेलरेशन से आपके पास क्या कर रहा है, मूव कर रहा है, तो कांस्टेंट एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है तो आपके पास पास्कल्स लॉ वैलिड होगा। अगर आपके पास फोर्स वोर्टेक्स मोशन की बात करते हो तो दिस इज अ फोर्स वोर्टेक्स मोशन, इस केस में भी आपके पास क्या होगा, पास्कल्स लॉ जो है वो वैलिड होगा। क्लियर है, तो ये हो गया आपके पास इसके बारे में बातें, ये हो गई आपके पास पास्कल्स लॉ से रिलेटेड बातें। ठीक है, आपको सिर्फ इतनी चीजें देखनी है पास्कल्स लॉ में, और ज्यादा आपको डेप्थ में नहीं जाना है। ये जो दो टॉपिक है, जो लिक्विड से रिलेटिव इक्विलिब्रियम का ये जो दो टॉपिक है, ठीक है, एक रोटेशन वाला है और एक ट्रांसलेशन वाला है, वो आगे फर्दर में और आपको डेप्थ में पढ़ना है। ठीक है, ये आगे फर्दर आपको डेप्थ में पढ़ना है जाके, ठीक है, बट यहाँ पे ज्यादा चीजें डिस्कशन नहीं कर रहे हैं, वो आगे अपने को देखना ही है। क्लियर हो गई बात यहाँ तक। ठीक है, अब देखो यहाँ से, अब आपके पास क्या हो गया, ये तो बात हो गई पास्कल्स लॉ की, अब हम बात करते हैं किसकी, अब हम बात करते हैं हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर के बारे में। ठीक है, और हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर के वेरिएशन के बारे में, ठीक है, कि हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर का जो वेरिएशन है वो कैसे होता है, उसके बारे में अब हम बात करते हैं। अब देखिए जो आपको जो नेक्स्ट टॉपिक देखना है, नेक्स्ट टॉपिक आपके पास क्या है, दैट वेरिएशन ऑफ द हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। ठीक है, अब देखिए अगर मैं हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर की बात करता हूँ, तो जो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर है, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर आपके पास x डायरेक्शन में कैसा वेरी करता है, y डायरेक्शन में कैसा वेरी कर रहा है, z डायरेक्शन में कैसा वेरी कर रहा है, या x डायरेक्शन में वेरी कर रहा है या नहीं कर रहा है, y में कर रहा है कि नहीं कर रहा है, z में कर रहा है कि नहीं कर रहा है, अब आपको ये चीज़ें समझनी है। ठीक है, तो अगर मैं बात करता हूँ, फॉर एग्जांपल देखिए अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे, मान लीजिए आपके पास जो फ्लूइड है वो आपके पास कैसी कंडीशन पे, स्टैटिक कंडीशन पे, ये आपके पास बीकर ले लीजिए। ठीक है, और फ्लूइड जो है आपके पास क्या है, फ्लूइड आपके पास स्टैटिक कंडीशन पे,
जी लीजिए, फ्लूड आपके पास क्या है, फ्लूड आपके पास स्टैटिक कंडीशन पे, तो ये आपके पास अगर कोऑर्डिनेट सिस्टम अगर हम देखें तो ये आपके पास एक्स डायरेक्शन हो गया, ये आपके पास क्या हो गया, ये आपके पास वाई डायरेक्शन हो गया लेट अस अज्यूम, और ये आपके पास क्या है, ये आपके पास जेड डायरेक्शन है, ठीक है। अब देखिए यहाँ से आपके पास क्या है, यहाँ पे मैं काम करता हूँ, यहाँ पे आपके पास यहाँ से वाई डिस्टेंस आता हूँ, ठीक है, फ्री सरफेस, ये आपके पास क्या है, ये आपके पास फ्री सरफेस, और फ्री सरफेस क्या होता है, व्हाट डू यू मीन बाय दैट फ्री सरफेस, फ्री सरफेस एक ऐसा सरफेस होता है जहाँ पे जो प्रेशर होता है वो किसके बराबर होता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर होता है। फ्री सरफेस एक ऐसा सरफेस होता है जहाँ पे जो प्रेशर होता है वो आपके पास क्या होता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर होता है। अब देखो यहाँ से आपके पास क्या करता हूँ, यहाँ से मैं वाई डिस्टेंस पे आता हूँ, यहाँ से मैं वाई डिस्टेंस पे आके मैं क्या करता हूँ, एक स्मॉल एलिमेंट कंसिडर करके चलता हूँ, तो ये मेरे पास क्या है, ये मेरे पास स्मॉल एलिमेंट है, फ्लूइड का स्मॉल एलिमेंट यहाँ पे मैंने कंसिडर किया है, ये लीजिए ये आपके पास स्मॉल एलिमेंट है, राइट। अब ये जो आपके पास क्या है, ये आपके पास यहाँ से वाई डिस्टेंस आए, और वाई डिस्टेंस आने के बाद अगर मैं बात करता हूँ किसकी, अगर मैं बात करता हूँ इस डायमेंशन के बारे में, डायमेंशन के बारे में अगर मैं बात करूँ इस फ्लूइड मास के, तो एक काम करता हूँ मैं फ्लूइड मास को बाहर बनाता हूँ, तो ये मेरे पास फ्लूइड मास है, ठीक है, तो ये आपके पास क्या हो गया, ये आपके पास हो गया, ये हो गया आपके पास dx, ये आपके पास हो गया dy, और ये आपके पास क्या हो गया, ये आपके पास हो गया dz। सो अगर इसके स्मॉल एलिमेंटल वॉल्यूम के बारे में बात करते हो तो स्मॉल एलिमेंटल वॉल्यूम क्या हो जाएगा, दैट इज अ dx इंटू dy इंटू dz, ये आपके पास हो गया स्मॉल एलिमेंटल वॉल्यूम, ठीक है, इस स्मॉल एलिमेंट का आपके पास वॉल्यूम, क्लियर हो गई इतनी बात। x डायरेक्शन में डायमेंशन dx, y डायरेक्शन में डायमेंशन dy, और z डायरेक्शन में आपके पास डायमेंशन क्या है, दैट इज dz, ठीक है। अब देखिए यहाँ से अगर मैं बात करता हूँ किसकी, अगर मैं बात करता हूँ यहाँ से y डिस्टेंस, ठीक है, और y डिस्टेंस पे जो ये जो सरफेस आप देख रहे हैं, इस सरफेस पे जो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर है, ये आपके पास हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर होगा, ठीक है, ये जो होगा हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर है, रिमेंबर दैट हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर इज ऑलवेज नॉर्मल टू द सरफेस एंड कॉम्प्रेसिव इन नेचर, ऑलवेज नॉर्मल टू द सर्फेस एंड कॉम्प्रेसिव इन नेचर, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं बोलता हूँ, इस फेस पे अगर मैं बोलता हूँ हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर क्या है, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर मेरे पास क्या है, पी, इस फेस पे जो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर क्या है, पी। अब मेरे को हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर फोर्स चाहिए, तो फोर्स चाहिए तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, पी मल्टीप्लाइड बाई क्या करना पड़ेगा, ये जो आप देख रहे हो सर्फेस एरिया, इस सर्फेस एरिया से क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये पी जिस सर्फेस पे लग रहा है उसका जो एरिया है वो क्या हो जाएगा मेरे पास, वो जो एरिया है दैट इज नथिंग बट दी डी एक्स, ये हो गया dx और ये हो गया dz, ठीक है, ये हो गया dx और ये हो गया मेरे पास dz, ये आपके पास क्या हो गया वॉल्यूम, ये हो गया आपके पास एरिया, क्लियर हो गई इतनी बात, ठीक है। अब देखिए ये आपके पास अभी हम देख रहे हैं y डायरेक्शन में, ठीक है, जो भी हम बात कर रहे हैं किस डायरेक्शन में बात कर रहे हैं, पहले हम बात कर रहे हैं y डायरेक्शन पे, तो हम y डायरेक्शन में चीजें देखते हैं, तो y डायरेक्शन में अगर मैं बात करता हूं तो ये हो गया आपके पास इस फेस पे, आपके पास क्या है, इस फेस पे आपके पास प्रेशर फोर्स, इस फेस पे अगर मैं प्रेशर फोर्स की बात करता हूं तो मैं क्या लिख सकता हूं, सी पी प्लस, पी प्लस प्रेशर का वेरिएशन विथ रिस्पेक्ट टू वाई, और कहाँ तक है, दैट इज डी वाई, मैं ये लिख सकता हूँ, ठीक है। इस फेस पे अगर आप देखोगे तो पी प्लस प्रेशर का वेरिएशन वाई के साथ, सो डेल पी बाई डेल वाई इंटू कहाँ तक, डी वाई तक, तो ये हो गया आपके पास प्रेशर, ठीक है। तो अगर मैं प्रेशर फोर्स की बात करता हूँ तो प्रेशर फोर्स मैं क्या लिख सकता हूँ, ये हो गया मेरे पास पी प्लस प्रेशर का वेरिएशन विथ रिस्पेक्ट टू वाई कहाँ तक, डी वाई तक, इंटू ये हो जाएगा मेरे पास क्या, ये हो गया मेरे पास डी एक्स इंटू डी जेड, क्लियर हो गई बात मेरी इतनी, ठीक है। और देखो इस स्मॉल एलिमेंट पे वाई डायरेक्शन में और कुछ एक्ट करने वाला है, क्या एक्ट करेगा, तो ऑब्वियसली ये जो फ्लूइड मास आप देख रहे हो उस फ्लूइड मास का वेट, तो ये जो फ्लूइड मास का जो वेट है, मान लीजिए ये फ्लूइड मास का वेट है, दैट इज डी डब्ल्यू, और ये जो डी डब्ल्यू है, इस डी डब्ल्यू को मैं क्या लिख सकता हूं, तो दैट डी डब्ल्यू इज नथिंग बट डी, ठीक है, ये हो गया आपके पास क्या, ये हो गया वेट डेंसिटी गामा, ठीक है, तो ये वेट डेंसिटी गामा, गामा होगा, डी गामा नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, बिकॉज गामा अगर आप थोड़ा सा भी फ्लूइड मास लोगे तो उसका भी गामा वही रहेगा, बड़ा फ्लूइड मास लोगे तो भी आपके पास जो वेट डेंसिटी है वो आपके पास गामा ही रहेगा, ठीक है, ये मास के ऊपर इंडिपेंडेंट होता है, ठीक है। तो आपके पास क्या होगा, डी डब्ल्यू इज इक्वल टू गामा इंटू वॉल्यूम, दैट इज नथिंग बट दैट डी वी, क्लियर हो गई इतनी बात, ठीक है। तो आपके पास ये जो डी डब्ल्यू है, दैट इज नथिंग बट द, ये जो आप स्मॉल एलिमेंट देख रहे हो, इस स्मॉल एलिमेंट का वेट, दैट इज डी डब्ल्यू इज इक्वल टू गामा मल्टीप्लाइड बाई डी वी, एंड डी वी इज नथिंग बट द वॉल्यूम, क्लियर। अब देखिए इनिशियली मैं क्या एज्यूम करके चल रहा हूँ, इनिशियली मैं ये एज्यूम करके चल रहा हूँ कि जो भी हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर है ये किसका फंक्शन है, ये आपके पास x, y और z तीनों का फंक्शन है, मतलब हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर है वो x डायरेक्शन में भी चेंज हो रहा है, y डायरेक्शन में भी चेंज हो रहा है, और z डायरेक्शन में भी चेंज हो रहा है, सो इनिशियली मैं ये मान के चल रहा हूँ, ठीक है। तो अगर मैं y डायरेक्शन की बात करता हूँ तो y डायरेक्शन में मैंने यहाँ पे जो जो आपके पास फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं, जो जो फोर्सेस आपके पास एक्ट कर रहे हैं, मैंने वो फोर्सेस आपके पास यहाँ बना लिया। तो अगर आपके पास फ्लूइड स्टैटिक कंडीशन पे है, ठीक है, अगर आपके पास फ्लूइड जो है वो स्टैटिक कंडीशन पे है, स्टैटिक कंडीशन पे, तो आप मेरे को बता सकते हैं कि कौन कौन सा फोर्स एक्ट करेगा, ठीक है। तो अगर स्टैटिक कंडीशन पे है तो प्रेशर फोर्स होगा,
बिल्कुल प्रेशर फोर्स होगा, और जो दूसरा और फोर्स है वो और कौन सा होगा, दैट इज अ बॉडी फोर्स। मतलब बॉडी फोर्स का मतलब कुछ नहीं होता, बॉडी फोर्स का मतलब होता है वेट। ये हो गया ठीक है। तो मेजर जो फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं आपके पास प्रेशर फोर्स है और आपके पास बॉडी फोर्स। विस्कस फोर्स होगा क्या, सोचिए विस्कस फोर्स होगा क्या आपके पास, अगर ये फ्लूइड है स्टैटिक कंडीशन पे तो विस्कस फोर्स होगा नहीं। विस्कस फोर्स की वैल्यू क्या होगी, विस्कस फोर्स की वैल्यू जीरो होगी ठीक है। तो अगर यहां पे फोर्सेस आप देख रहे हो तो फोर्सेस कौन कौन सा है, एक आपके पास प्रेशर फोर्स है और दूसरा आपके पास क्या है बॉडी फोर्स। देयर इज नो विस्कस फोर्स बिकॉज फ्लूइड इज इन स्टैटिक। विस्कस फोर्स की वैल्यू क्या होगी, विस्कस फोर्स की वैल्यू जीरो होगी अगर फ्लूइड स्टैटिक कंडीशन में है तो। क्लियर हो गई इतनी बात ठीक है। अब देखिए और उसके अलावा और फोर्सेस आप बोलोगे तो आप बोल सकते हो कि सर सरफेस टेंशन फोर्स भी तो एक्ट करेगा ठीक है। सरफेस टेंशन फोर्स हमने पढ़ा हुआ है, सरफेस टेंशन फोर्स भी तो एक्ट करेगा, बट माय डियर रिमेंबर सरफेस टेंशन फोर्स जो होता है वो एक माइनर फोर्स होता है ठीक है। जो सरफेस टेंशन फोर्स जो होता है वो एक माइनर फोर्स होता है, और जो माइनर फोर्स होता है उस माइनर फोर्स को हम अपने कंसिडरेशन में लेके नहीं चलते हैं ठीक है। तो यहाँ पे जो भी फोर्सेस के बारे में हम बात करें वो हमारे पास क्या है, मेजर फोर्सेस। तो आपके पास क्या होगा, प्रेशर फोर्स और बॉडी फोर्स। और आपको पता है बॉडी फोर्स किधर, प्रेशर फोर्स तो आप देख ही रहे हैं, बॉडी फोर्स किधर एक्ट करेगा, बॉडी फोर्स डाउनवर्ड एक्ट करेगा। इतनी बात क्लियर हो गई ठीक है। अब देखिए अगर स्टैटिक कंडीशन पे है तो स्टैटिक कंडीशन पे तो यहां से अगर मैं वाई डायरेक्शन में इक्विलिब्रियम इक्वेशन लिखूं, जो भी बात चल रही है कहां चल रही है, वाई डायरेक्शन, जो भी बात चल रही है आपके पास वाई डायरेक्शन में। अब y डायरेक्शन में अगर मैं क्या करता हूँ, y डायरेक्शन में मैं इक्विलिब्रियम इक्वेशन लिखूँ तो y डायरेक्शन में इक्विलिब्रियम इक्वेशन क्या लिख सकता हूँ, तो इक्विलिब्रियम इक्वेशन हो गया y डायरेक्शन में, दैट इज नथिंग बट द समेशन एफ वाई इज इक्वल टू जीरो। ये हो गया। तो y डायरेक्शन में देखिए आपके पास कौन कौन सा फोर्स एक्ट करेगा, कौन कौन सा फोर्स एक्ट कर रहा है ठीक है। साइन कन्वेंशन के बारे में बात करूँ तो साइन कन्वेंशन आप कैसे यूज करते हो, साइन कन्वेंशन आप यूज करते हो, ये हो गया आपके पास प्लस अपवर्ड फोर्स प्लस डाउनवर्ड फोर्स निगेटिव ठीक है। अपवर्ड फोर्स प्लस डाउनवर्ड फोर्स नेगेटिव, यही आपके पास साइन कन्वेंशन है राइट। तो समेशन एफ आई, तो ये आपके पास क्या हो गया, देखो पी इंटू डी एक्स इंटू डी जेड डाउनवर्ड एड कर रहा है तो ये हो गया माइनस पी इंटू डी एक्स इंटू डी जेड। ये आपके पास इस वाले फेस पे जो प्रेशर फोर्स एड कर रहा है कैसा एड कर रहा है, ऊपर की तरफ तो हो जाएगा प्लस, तो पी प्लस डेल पी डेल वाई डी वाई, और ये हो जाएगा क्या, ये हो जाएगा डी एक्स और ये हो गया डी जेड। उसके अलावा और क्या होगा, वेट जो कि नीचे की तरफ एड कर रहा है माइनस dw and this is equal to zero ठीक है। तो इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो एक काम करता हूँ dw को उधर ले जाता हूँ, तो ये हो गया माइनस पी डी एक्स डी जेड प्लस पी डी एक्स डी जेड प्लस ये हो जाएगा डेल पी बाई डेल वाई ठीक है। इसे मैं क्या लिख सकता हूँ, डी एक्स डी जेड डी वाई, तो ये हो जाएगा डी वी एंड दिस इज इक्वल टू डी डब्ल्यू। ये हो गया ठीक है। तो यहाँ से अगर आप देखोगे तो ये जो दो टर्म है ये चला गया ठीक है, तो बचेगा क्या, बचेगा आपके पास डेल पी बाई डेल वाई, यहाँ से अगर आप देखोगे तो ये हो गया डेल पी बाई डेल वाई इंटू डी वी इज इक्वल टू डी डब्ल्यू। को मैं क्या लिख सकता हूँ, यहाँ पे लिखा है डी डब्ल्यू गामा इंटू डी वी, तो ये हो गया गामा इंटू डी वी, डी वी से डी वी गया तो यहाँ से क्या जाएगा, दैट डेल पी बाई डेल वाई इज इक्वल टू, ये हो गया आपके पास रो जी ठीक है। ये हो गया आपके पास प्रेशर का वेरिएशन वाई डायरेक्शन में। क्लियर है पॉइंट ठीक है। तो यहाँ से आपके पास क्या शो हो रहा है, आपके पास ये शो हो रहा है कि अगर आप डेल पी बाई डेल वाई की बात करते हो ठीक है, तो डेल पी बाई डेल वाई ठीक है, डेल पी बाई डेल वाई आपके पास क्या है, पॉजिटिव क्वांटिटी मिला है, दैट इज रो इन टू जी, ये पॉजिटिव है। इसका मतलब ये है कि फ्री सर्फेस से जैसे जैसे वाई डायरेक्शन में आते हो, फ्री सर्फेस से जैसे जैसे वाई डायरेक्शन में आ रहे हो मतलब नीचे की तरफ आ रहे हो, तो जो प्रेशर है वो प्रेशर क्या हो रहा है, वो प्रेशर आपके पास बढ़ेगा। क्लियर हो गई इतनी बात ठीक है। तो आपके पास जो डेल पी बाई डेल वाई इज इक्वल टू रो जी जो है आपको यही शो कर रहा है। क्लियर। अब देखिए अगर मैं ये तो बात हो गई किसकी, ये तो बात हो गई एक्स डायरेक्शन, ये सॉरी ये तो बात हो गई किसकी, ये तो बात हो गई वाई डायरेक्शन में। अब हम बात करते हैं किसकी, अब हम बात करते हैं एक्स डायरेक्शन में ठीक है। अब जो भी हम बातें करते हैं एक्स डायरेक्शन में, तो एक्स डायरेक्शन में अगर हम बात करते हैं ठीक है, अब देखिए अगर मैं एक्स डायरेक्शन की बात करता हूं, एक्स डायरेक्शन, तो आप मेरे को क्या बता सकते हो एक्स डायरेक्शन में आपके पास क्या होगा, एक्स डायरेक्शन में आपके पास ये हो गया एक्स डायरेक्शन में, तो आपके पास एक्स डायरेक्शन में प्रेशर फोर्स एक्ट करेगा इस वाले फेस पे और इस वाले फेस पे, इस वाले फेस पे, तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, ये हो गया आपके पास, इसको अगर मैं बोलता हूँ ये हो गया पी मल्टीप्लाइड बाई, क्या होगा प्रेशर फोर्स, पी मल्टीप्लाइड बाई नाउ दिस एरिया, तो ये हो जाएगा आपके पास क्या, डी वाई इंटू डी जेड ठीक है। तो एक काम करता हूँ मैं इसको, इसको मैं यहाँ से अलग से बना देता हूँ ठीक है। तो ये आपके पास क्या था, ये आपके पास स्मॉल एलिमेंट है, ये लीजिए ये आपके पास क्या है, ये आपके पास स्मॉल एलिमेंट है, किस डायरेक्शन में आप देख रहे हो, आप देख रहे हो एक्स डायरेक्शन में, तो एक्स डायरेक्शन में ये आपके पास पी मल्टीप्लाइड बाई क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास डी वाई डी जेड, ये होगा। नाउ ये फेस पे भी आपके पास क्या होगा, एक्स डायरेक्शन में फोर्स,
तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा प्रेशर पी प्लस प्रेशर का वेरिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, कहाँ तक, डी एक्स, तो ये हो गया प्रेशर मल्टीप्लाइड बाई फोर्स, तो ये हो गया डी वाई डी जेड। ठीक है, और कुछ एक्ट करेगा, ठीक है, तो और कुछ एक्ट नहीं करेगा, ठीक है, क्योंकि बॉडी फोर्स है वो तो डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है, वो एक्सेलरेशन में थोड़ी एक्ट कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ से अगर आप सॉल्व करोगे इसको, तो सॉल्व करोगे तो आपको क्या मिलने वाला है, नाउ समेशन एफ एक्स इज इक्वल टू जीरो, नाउ समेशन एफ एक्स इक्वल टू जीरो, तो ये हो जाएगा पी, अगेन साइन कन्वेंशन, साइन कन्वेंशन क्या बोलता है, ठीक है, तो ये प्लस और ये माइनस, प्लस माइनस, यही साइन कन्वेंशन है फोर्स के लिए। ठीक है, तो आपके पास क्या हो जाएगा, पी इंटू डी वाई इंटू डी जेड माइनस, ये आपके पास क्या हो जाएगा, पी प्लस प्रेशर का वेरिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स डी एक्स तक इंटू डी वाई डी जेड इज इक्वल टू जीरो, ये हो गया। ठीक, तो यहाँ से आपके पास क्या हो जाएगा, पी डी वाई इंटू डी जेड इज इक्वल टू, ठीक है, या फिर यहाँ से देख लो माइनस पी, ये हो गया डी वाई डी जेड माइनस डेल पी बाई डेल एक्स, और ये हो जाएगा डी वी इज इक्वल टू जीरो, ये चला गया ये दो टर्म, तो यहाँ से क्या जाएगा, डेल पी बाई डेल एक्स इंटू डी वी इज इक्वल टू जीरो, सो डी वी तो जीरो हो नहीं सकता, तो डी वी अगर जीरो नहीं हो सकता तो आपके पास जीरो क्या हो सकता है, दैट डेल पी बाई डेल एक्स इज इक्वल टू जीरो, डेल पी बाई डेल एक्स इज इक्वल टू जीरो। तो आपके पास क्या दिख रहा है, यहाँ से जो प्रेशर का जो वेरिएशन है क्या एक्स डायरेक्शन में है, तो प्रेशर का वेरिएशन जो है वो एक्स डायरेक्शन में नहीं है। ठीक है, इससे यही बात क्लियर होगी, हो रही है। सिमिलरली मैं क्या बोल सकता हूँ, सिमिलरली मैं ये बोल सकता हूँ दैट डेल पी बाई डेल जेड, ये भी क्या होगा, ये भी आपके पास जीरो होगा। सिमिलरली अगर आप देखोगे तो डेल पी बाई डेल जेड भी क्या होगा, डेल पी बाई डेल जेड भी आपके पास जीरो होगा। क्लियर है? ठीक है, तो यहाँ इनिशियली हमने क्या मान के चला था, इनिशियली हमने ये मान के चला था कि जो प्रेशर का, प्रेशर जो है फंक्शन है एक्स वाई और जेड का। ठीक है, आफ्टर दिस एक्सप्लेनेशन, ठीक है, हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि जो प्रेशर का जो वेरिएशन है वो एक्स और जेड के साथ नहीं है, प्रेशर का जो वेरिएशन है वो वाई के साथ ही है। मतलब मैं अगर मैं बोलूँ प्रेशर का जो वेरिएशन है वो किसके साथ है, डेप्थ के साथ। ठीक है, अगर आप डेप्थ फ्री सरफेस से अगर आप वाई डायरेक्शन में नीचे की तरफ आते हो तो प्रेशर क्या हो रहा है, प्रेशर इंक्रीज हो रहा है। और अगर आप एक्स डायरेक्शन में, अगर मैं दो पॉइंट की बात करता हूँ, एक पॉइंट हो गया ये और एक पॉइंट हो गया ये, आपके पास सेम एलिवेशन पे, सेम एलिवेशन फ्री सरफेस से, गेटिंग माई पॉइंट। ठीक है, तो आपके पास यहाँ पे जो प्रेशर होगा और यहाँ पे जो प्रेशर होगा आपके पास क्या होगा, सेम होगा। ठीक है, और सिमिलरली आप जेड डायरेक्शन में भी इस चीज को कंक्लूड कर सकते हो। क्लियर हो गई बात इतनी? ठीक है, तो यहां से आपके पास क्या कंक्लूजन निकला? ठीक है, तो कंक्लूजन ये निकला कि जो आपके पास इनिशियली हम मान के चले थे कि आपके पास P जो है वो X, Y और Z तीनों का फंक्शन है, इनिशियली हम क्या मान के चले थे कि जो हमारे पास P है दैट इज अ फंक्शन ऑफ X, Y, Z, हम यही मान के चले थे। बट हमें ये पता चला कि भैया P जो है ये आपके पास सिर्फ और सिर्फ किसका फंक्शन है, Y का फंक्शन है। ठीक है, तो यहां से अगर मैं बोलूं तो क्या बोल सकता हूं, मेरे पास क्या भी है, डेल पी बाई डेल वाई इज इक्वल टू रो जी, डेल पी बाई डेल एक्स इज इक्वल टू जीरो एंड डेल पी बाई डेल जेड इज इक्वल टू जीरो। क्लियर है? ठीक है, तो अब यहां से आप देख रहे हो पी जो है वो सिर्फ वाई का फंक्शन है, तो ये जो आपके पास पार्शियल डेरिवेटिव था उसको मैं टोटल डेरिवेटिव के फॉर्म में भी लिख सकता हूँ, डी पी बाई डी वाई इज इक्वल टू, ये आपके पास क्या हो गया, ये आपके पास हो गया रो जी। क्लियर हुई बात? ठीक है, अब देखिए यहां से इस चीज को समझिएगा थोड़ा सा और, आपकी बुक में ऐसा भी लिखा होता है, आपकी बुक में लिखा होता है डी पी बाई डी वाई माइनस रो जी, आपके पास ये भी लिखा हुआ मिलता है। ठीक है, आपके पास आइदर ये मिलेगा डी पी बाई डी वाई इज इक्वल टू रो जी, या आपके पास ये मिलेगा डी पी बाई डी वाई इज इक्वल टू माइनस रो जी। ठीक है, तो देखिए दोनों ही चीजें आपके पास करेक्ट है। ठीक है, दोनों चीजें अलग अलग चीज नहीं है, दोनों ही करेक्ट चीजें, डिफरेंस किस चीज का है उसको समझिएगा। डिफरेंस क्या है, जैसे अगर आप बोलते हो ये आपके पास क्या था, ये आपके पास फ्री सरफेस था। ठीक है, ये आपके पास क्या, ये आपके पास फ्री सरफेस है। अब देखिए फ्री सरफेस से आप वाई डायरेक्शन में जा रहे हो। ठीक है, अगर वाई डायरेक्शन में जा रहे हो, अगर आप लिखते हो डी पी बाई डी वाई इज इक्वल टू रो जी, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि आपके पास जब वाई डायरेक्शन आप फ्री सरफेस से डाउनवर्ड नीचे की तरफ जा रहे हो, तो यहां पे आप वाई को क्या मान के चल रहे हो, यहां पे आप वाई को मान के चल रहे हो पॉजिटिव। ठीक है, यहां पे जो वाई आपके पास क्या है, वाई आपके पास पॉजिटिव है। यहां पे जब आप ये लिखते हो डी पी बाई डी वाई इक्वल टू रो जी, इसका मतलब अगर ये फ्री सरफेस है और वो आप नीचे की तरफ जा रहे हो, तो ये वाई क्या है, ये आपके पास वाई पॉजिटिव है। अगर आप ये एक्सप्रेशन लिखते हो तो आपके पास क्या होगा, फ्री सरफेस ये है, और अगर आप डाउनवर्ड जा रहे हो तो ये आपके पास क्या होगा, ये आपके पास निगेटिव होगा। क्लियर है? सिर्फ यही डिफरेंस है आपके पास। ठीक है, यहां पे मैं डाउनवर्ड को क्या मान के चला हूं, डाउनवर्ड को मैं मान के चला हूं पॉजिटिव, तो अपवर्ड को क्या मान के चलूंगा, निगेटिव। यहां पे मैं डाउनवर्ड को क्या मान के चला हूं, निगेटिव, तो अपवर्ड को क्या मानूंगा, पॉजिटिव। दैट्स इट, यही डिफरेंस है आपके पास। क्लियर है पॉइंट? ऐसा नहीं है कि आपके पास जो एंड रिजल्ट है वो अलग अलग आने वाला है, नहीं, एंड रिजल्ट आपके पास बिल्कुल सेम आएगा।
क्लियर है? मैथमेटिकल एक्सप्रेशन आपको प्लस और माइनस के फॉर्म में अलग अलग दिख रहा होगा, बट क्यों दिख रहा है ये चीजें मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी। क्लियर हो गई इतनी बात? ठीक है, अब देखिए आपके पास क्या हुआ, आपके पास यहां से अगर आप समझोगे, अब देखिए अब आपसे मैं क्या क्वेश्चन पूछ रहा हूं, मैं क्वेश्चन ये पूछ रहा हूं, मान लीजिए ये फ्री सरफेस है और फ्री सरफेस से मैं एच डिस्टेंस पे आया और एच डिस्टेंस पे आके मैं यहां से आपको बोलता हूं, मान लीजिए ये आपके पास ए पॉइंट है, बताइए ए पॉइंट पे जो प्रेशर है वो कितना होगा। ठीक है, फ्री सरफेस से मैं एच डिस्टेंस नीचे आ रहा हूं, पॉइंट एट तक आया और मैं आपको पूछ रहा हूं बताइए ए पे प्रेशर कितना होगा। तो ए पे प्रेशर अगर कितना होगा ये अगर आपको फाइंड करना है तो भैया डी पी बाई डी वाई इज इक्वल टू, ठीक है, किसको लेके आगे बढ़ो, ठीक है, चाहे आप इसको लेके आगे बढ़ो, इसको लेके आगे बढ़ो, एंड रिजल्ट सेम आएगा। मैं काम करता हूं, मैं आपको दोनों चीजें शो कर दूंगा यहां पे। नाउ डी पी बाई डी वाई इक्वल टू क्या हो गया, ये आपके पास हो गया रो जी, यही है। ठीक है, अब देखो यहां से आपके पास क्या हो जाएगा, डी पी इज इक्वल टू दिस इज रो जी इन टू डी वाई। क्लियर हो गई इतनी बात? ठीक है, ना मेरे को प्रेशर चाहिए, प्रेशर चाहिए तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेट करना पड़ेगा। इंटीग्रेट करना है तो आपके पास ये बताइए ए पे जो प्रेशर है वो मान लीजिए आपके पास, अच्छा एक काम करते हैं एच लिमिट लगाएंगे, वाई की लिमिट क्या हो जाएगी, वाई की लिमिट यहाँ पे रिफरेंस, ये रिफरेंस हो गया जीरो, तो यहाँ पे वाई की वैल्यू जीरो और यहाँ पे वाई की वैल्यू एच, तो ये हो गया जीरो से एच। क्लियर, अब देखिए यहाँ से आपके पास वाई इज इक्वल टू जीरो पे जो प्रेशर है दैट इज एटमोस्फेरिक प्रेशर और वाई इज इक्वल टू एच पे जो प्रेशर है दैट इज पी ए। तो यहाँ से आपके पास क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा पी ए माइनस पी एटमोस्फेरिक इज इक्वल टू, ठीक है। अब देखो सॉल्व करोगे तो आपके पास यहां पे भी दो केसेस बनेंगे, कैसे दो केसेस बनेंगे कि आपके पास जो डेंसिटी हो सकता है या तो आपके पास कांस्टेंट हो सकता है या तो आपके पास वेरिएबल हो सकता है। डेंसिटी या तो आपके पास क्या होगा, कांस्टेंट होगा या तो डेंसिटी वेरिएबल होगा। डेंसिटी या तो आपके पास कांस्टेंट होगा या तो आपके पास वाई का फंक्शन हो सकता है। क्लियर हो रही मेरी बात यहां तक? ठीक है, तो मैं यहां पे अभी क्या एज्यूम करके चलता हूं, अभी मैं ये एज्यूम करके चलता हूं कि मान लीजिए भैया डेंसिटी चलिए कांस्टेंट है। ठीक है, जैसे जैसे आप फ्री सरफेस से नीचे की तरफ जा रहे हो प्रेशर बढ़ रहा है बट डेंसिटी में जो चेंजेस है वो सिग्निफिकेंट नहीं है, तो डेंसिटी क्या है, डेंसिटी कांस्टेंट है, ये मैं मान के चल रहा हूं, यहां पे एज्यूम कर रहा हूं मैं ये। तो एज्यूम यहां पे क्या कर रहा हूं, एज्यूम कर रहा हूं, एज्यूम कि जो डेंसिटी है दैट इज कांस्टेंट, यहां पे मैं एज्यूम करके चल रहा हूं। तो यहां से अगर मैं एज्यूम किया तो रो बाहर आ जाएगा, जी बाहर आ जाएगा, इनटू यहां से देखिए सॉल्व करिए तो ये हो जाएगा एच माइनस जीरो। नाउ यहां से देखोगे तो पी ए माइनस पी एटमोस्फेरिक इज इक्वल टू पी एटमोस्फेरिक इज इक्वल टू दिस इज रो जी एच। क्लियर हो गई थी बात? ठीक है, तो अब देखिए यहां से अगर मैं देखता हूं तो आपके पास सपोज इसको अगर मेरे को गेज में लिखना है, ये तो बात आ गई आपके पास। ठीक है, तो यहां से आपके पास अगर ए पे प्रेशर देखोगे तो ये हो गया पी एटमोस्फेरिक प्लस ये हो गया रो जी एच। अब इसी चीज को अगर मेरे को गेज में देखना है तो गेज में देखना है तो मैं क्या लिख सकता हूं, गेज में अगर लिखूंगा तो गेज में एटमोस्फेरिक प्रेशर को मैं क्या लिखता हूं, गेज में एटमोस्फेरिक प्रेशर कितना होता है जी, गेज में जो एटमोस्फेरिक प्रेशर होता है दैट इज जीरो गेज। ठीक है, तो ये हो गया जीरो, तो यहां से आपके पास क्या आ जाएगा, पी इज इक्वल टू रो जी एच। तो प्रेशर एट ए इज इक्वल टू रो इंटू जी इंटू एच। तो द प्रेशर, हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर जब आप लिखते हो रो इंटू जी इंटू एच, तो आपके पास क्या क्या चीजें यहां से समझ, क्या क्या चीजें आप समझ पाए हो, तो सबसे पहली चीज जो समझ पाए हो यहां से कि जो डेंसिटी है वो डेंसिटी आपके पास क्या है, डेंसिटी आपके पास कांस्टेंट है, पहली चीज, फर्स्ट चीज, फर्स्ट थिंग। और सेकेंड थिंग आपके पास क्या है, सेकेंड थिंग आपके पास क्या है, ये जब लिखते हो पी इज इक्वल टू रो जी एच तो ये कौन सा प्रेशर है, ये एब्सोल्यूट प्रेशर है या गेज प्रेशर है, तो ये आपके पास गेज प्रेशर है, ये आपके पास गेज प्रेशर है। और अगर आपको एब्सोल्यूट चाहिए तो आपके पास एटमोस्फेरिक प्रेशर को उसमें क्या करना पड़ेगा, आपको ऐड करना पड़ेगा। इतनी बात क्लियर हो गई? ठीक है, तो जब आप लिखते हो पी इज इक्वल टू रो, पी इज इक्वल टू रो जी एच, इसका मतलब क्या है, डेंसिटी कांस्टेंट है और प्रेशर कैसा प्रेशर है, गेज प्रेशर। क्लियर, तो ये तो बात हो गई कब, ये तो जब बात हो गई जब डी पी बाई डी वाई इक्वल टू आप क्या लिखते हैं, रो जी। ठीक, अब देखिए अगर आप डी पी बाई डी वाई इक्वल टू माइनस रो जी करके सॉल्व करोगे तो भी आपको सेम मिलने वाला है, अलग नहीं मिलेगा। तो देखिए अगर मैं यहां से लेके चलता हूं डी पी बाई डी वाई इज इक्वल टू माइनस रो जी, तो यहां से क्या आ जाएगा, dp इज इक्वल टू माइनस रो जी डी वाई। अगेन आप इंटीग्रेट करेंगे तो इंटीग्रेट करेंगे तो आपके पास y इज इक्वल टू जीरो से y इज इक्वल टू, अब आप क्या लिखेंगे, जब यहां पे माइनस है तब जब डाउनवर्ड है वो क्या होता है, निगेटिव, डाउनवर्ड निगेटिव, तो y इज इक्वल टू आप क्या लिखेंगे, y इज इक्वल टू आप लिखेंगे माइनस एच। क्लियर है, y इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, माइनस एच। तो y इज इक्वल टू जीरो पे प्रेशर क्या है, एटमोस्फेरिक प्रेशर, y इज इक्वल टू माइनस एच पे जो प्रेशर है दैट इज पी ए। तो यहां से क्या आ जाएगा, पी ए माइनस पी एटमोस्फेरिक
इज इक्वल टू माइनस, ये हो गया रो जी, ये हो जाएगा आपके पास क्या माइनस एच माइनस जीरो. सो अल्टीमेटली व्हाट यू विल गेट, सेम थिंग रो जी एच, ये हो गया पी ए माइनस पी एटमोस्फेरिक, पी एटमोस्फेरिक जीरो, तो ये हो गया पी ए इज इक्वल टू रो जी एच. क्लियर? तो ये आपके पास क्या हो गया, तो चाहे आप ये लेके चलिए या आप डीपी बाई डी वाई इज इक्वल टू रो जी लेके चलिए, एंड रिजल्ट विल बी सेम. एंड रिजल्ट में आपके पास कोई भी चेंजेस नहीं आएगा. इतनी बात क्लियर हो गई, ठीक है? अब जो भी ये देखे हो, ये कब देखे हो, जब आपके पास डेंसिटी क्या है, डेंसिटी आपके पास कांस्टेंट है. सोचो अगर किसी प्रॉब्लम में आपको बोल के रखा हो कि नहीं डेंसिटी कांस्टेंट नहीं है, डेंसिटी जो है वाई का फंक्शन है, डेंसिटी आपके पास वेरी कर रहा है, तो उस केस में इसी पॉइंट ए पे, ये जो पॉइंट आप ए देख रहे हो, इस पॉइंट ए पे आप प्रेशर कैसे फाइंड आउट करोगे? ठीक है, तो अगेन आपके पास सिंपल है, ठीक है, तो लेट अस अज्यूम डेंसिटी क्या है, डेंसिटी आपके पास फंक्शन है वाई का, ठीक है, तो इसे आप बोल सकते हो केस नंबर वन और इसे आप बोल सकते हो केस नंबर टू. सो केस नंबर वन एक्सप्लेन हो गया. नाउ केस नंबर टू अगर आप देखते हैं, केस नंबर टू, तो केस नंबर टू में मैंने बोला डेंसिटी क्या है, वेरिएबल है, और मान लीजिए कैसे वेरी कर रहा है, रो इज इक्वल टू रो नॉट ई टू द पावर टू वाई, ये मैंने एज्यूम करके चला है, ठीक है, ये मैंने एज्यूम करके चला है. और लॉजिकली कैसे एज्यूम किया है, एज्यूम ये किया है कि जो ई टू द पावर टू वाई, ठीक है, आप क्या करोगे, आप फ्री सरफेस से जैसे जैसे आप नीचे की तरफ जा रहे हो तो आपके पास क्या हो रहा है, आपके पास डेंसिटी बढ़ेगी. क्यों बढ़ेगी? क्योंकि प्रेशर बढ़ रहा है. तो ये मैंने एज्यूम करके चला है, ठीक है, ये मैंने सिर्फ और सिर्फ एज्यूम करके चला है. क्लियर? अब देखिए जो रो नॉट है दैट इज द डेंसिटी एट फ्री सरफेस, ये आपके पास डेंसिटी है फ्री सरफेस पे, राइट? तो यहां से देखिए इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा डी पी बाई डी वाई इज इक्वल टू रो जी, ये हो गया आपके पास. नाउ dp by dy is equal to rho g, तो यहां से अगर देखोगे सो dp is equal to, ये हो गया rho g और ये हो गया क्या, ये हो गया dy. नाउ यहां से सॉल्व कर सकते हैं, बिल्कुल आप सॉल्व कर सकते हो. तो यहां से आपके पास क्या हो जाएगा, यहां से आपके पास y is equal to 0 और y is equal to h. नाउ y is equal to 0 पे जो प्रेशर है दैट इज एटमोस्फेरिक प्रेशर, y is equal to a पे जो, y is equal to h पे जो प्रेशर है दैट इज pa. तो यहां से क्या आ गया, pa minus p atmospheric, दिस इज इक्वल टू, ठीक है. अब देखिए यहां से डेंसिटी क्या लिख सकता हूँ, रो, सो रो इज इक्वल टू रो नॉट ई टू द पावर टू वाई जी और ये हो गया डी वाई. लिमिट लगा लीजिए तो ये हो गया जीरो और ये हो गया आपके पास क्या, ये हो गया, ये हो गया आपके पास एच. सॉल्व करेंगे, ठीक है, सॉल्व कर पाएंगे तो सॉल्व यहाँ से अगर आप करेंगे तो सॉल्व करेंगे तो आपको क्या मिलने वाला है देखते हैं. तो ये हो गया पी माई पी ए माइनस पी एटमोस्फेरिक दैट इज इक्वल टू रो नॉट, कॉन्स्टेंट है बाहर फेंकिए, जी कॉन्स्टेंट है बाहर फेंकिए. नाउ ई टू द पावर टू वाई क्या लिख सकते हैं, ई टू द पावर टू वाई बाई टू, लिमिट लगाइए तो ये हो गया जीरो टेंस टू, ये हो गया एच. तो यहाँ से ये हो गया रो नॉट इन टू जी बाई टू और ये हो जाएगा ई टू द पावर टू एच माइनस ई टू द पावर जीरो, ये हो गया. तो यहाँ से क्या आ जाएगा, रो नॉट जी बाई टू ई टू द पावर टू एच माइनस वन एंड दिस इज नथिंग बट द पी ए माइनस पी एटमोस्फेरिक. क्लियर? तो अगर आप देखोगे तो ये आपके पास क्या निकल गया, इस वे में आप क्या कर सकते हैं, इस वे में आप प्रेशर फाइंड आउट कर सकते हैं. और अगर आपको गेज में चाहिए तो एटमोस्फेरिक प्रेशर को आप क्या करेंगे, जीरो कर देंगे. तो इसमें आपको क्या मिल जाएगा, ए पे गेज प्रेशर मिल जाएगा. क्लियर? तो ये बात हो गई कब की, ये बात हो गई आपके पास जब आपके पास क्या है, जब आपके पास डेंसिटी वेरी कर रहा है. और इसी कॉन्सेप्ट को यूज किया गया था गेट 2014 में, ठीक है. तो गेट 2000 का जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन क्या था वो हम बात करते हैं. अब देखिए यहाँ पे आपके पास दो क्वेश्चन दिख रहे हैं. तो पहला क्वेश्चन अगर आप रीड करोगे तो क्या दिख रहा है, एज्यूमिंग कॉन्स्टेंट टेम्परेचर कंडीशन एयर टू बी एन आइडियल गैस, ठीक है, कॉन्स्टेंट टेम्परेचर कंडीशन है और एयर को आपको आइडियल गैस मानना है. द वेरिएशन इन एटमोस्फेरिक प्रेशर विथ हाइट, एटमोस्फेरिक प्रेशर में जो वेरिएशन है हाइट के साथ कैसा होगा अगर आप फ्लूइड स्टैटिक के कॉन्सेप्ट से फ्लूइड स्टैटिक के कॉन्सेप्ट को यूज करते हो. तो ऑप्शन ए है लीनियर, ऑप्शन बी है एक्सपोनेंशियल, ऑप्शन सी है क्वाड्रेटिक और ऑप्शन डी आपके पास क्या है, ऑप्शन डी आपके पास क्यूबिक, ठीक है. अब देखिए आपके पास क्वेश्चन ये है कि आपके पास मान लीजिए ये आपके पास अर्थ का सरफेस है और आपके पास यहां पे आपके पास ये एटमॉस्फेयर है. क्लियर होगी इतनी बात, ठीक है. अब देखिए यहां से अगर मैं बोलता हूं, अगर मैं अर्थ के सरफेस को रिफरेंस मान लेता हूं और यहां पे मैं बोलता हूं एच इज इक्वल टू जीरो, तो मान लीजिए यहां पे प्रेशर मेरे पास क्या है, यहां पे प्रेशर मेरे पास पी वन है और यहां से मैं क्या करता हूं, यहां से मैं एच डिस्टेंस पे जाता हूं और एच डिस्टेंस पे जाके यहां पे जो प्रेशर है उस प्रेशर को मैं बोलता हूं क्या, प्रेशर मेरे पास पी है. तो मेरे को बताना है कि ये जो प्रेशर पी है वो एच के साथ कैसे वेरी करेगा, ठीक है, इस एटमॉस्फेरिक एयर के लिए. क्लियर? और ये जो एयर है इस एयर को क्या बोला है, इस एयर को आपको ट्रीट करना है, कैसे ट्रीट करना है, इस एयर को आपको ट्रीट करना है एज एन आइडियल गैस, राइट. अब देखो अगर फ्लूइड स्टैटिक के कॉन्सेप्ट को यूज करते हो तो आप क्या लिखते हो, डी पी बाई डी वाई इज इक्वल टू रो जी या फिर माइनस रो जी,
क्लियर है बात? ठीक है, अगर आप रोज ही लिखते हो तो रेफरेंस से ऊपर माइनस रेफरेंस से नीचे प्लस, अगर आप माइनस रोज ही लिखते हो तो रेफरेंस से ऊपर आपके पास पॉजिटिव, रेफरेंस से नीचे आपके पास क्या होगा? नेगेटिव, राइट? तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, डीपी बाई डी वाई इक्वल टू रोजी, राइट? अब देखिए यहां से अगर मैं एयर को आइडियल गैस ट्रीट करता हूं तो मैं क्या लिखता हूं, पीवी इक्वल टू एमआरटी लिखते हैं अपन, ये आपके पास आइडियल गैस इक्वेशन है, राइट? यहां से देखिए P इज इक्वल टू, मैं इसको आगे भी करूं तो मैं लिख सकता हूं कि m बाई वी आर टी, और ये हो जाएगा P इज इक्वल टू रो आर टी, ये हो गई बात, ठीक है? तो यहां से रो क्या आ जाएगा, रो यहां से आपके पास अगर रो देखोगे तो रो इज इक्वल टू दिस इज P बाई आर टी, ये हो गया। अब देखिए यहां से वापस आइए, वापस आओगे तो ये हो गया dp बाई डी वाई इज इक्वल टू, नाउ रो को लिख सकते हो क्या, P बाई, ये हो गया आर टी और ये हो गया g, ठीक है? तो ये हो जाएगा dp इज इक्वल टू, ये हो गया p बाई आर टी, ठीक है? काम करता हूँ, p को मैं यहाँ पे नीचे ले आता हूँ और ये हो गया आपके पास r g बाई आर टी, g बाई आर टी, और ये हो गया क्या, ये हो गया मेरे पास dy, ठीक है? अब अगर वेरिएशन जानना है तो एक काम करते हैं, इसे इंटीग्रेट कर लेते हैं, तो इंटीग्रेट करते हैं तो ये, ठीक है? अब देखो इंटीग्रेट करोगे तो h इज इक्वल टू जीरो, h इज इक्वल टू जीरो पे व्हाट इज द प्रेशर, दैट प्रेशर इज p1, नाउ h इज इक्वल टू माइनस h, और y is equal to क्या हो गया, y is equal to minus h, ये हो गया minus h, minus h क्यों ले रहा हूं, क्योंकि reference से ऊपर जा रहा हूं, क्योंकि मैंने dp by dy is equal to rho g use किया है, ठीक है? तो ये हो गया minus h, यहां पे जो pressure है that pressure is nothing but the p, ठीक है? solve करेंगे, solve करने के बाद आपको क्या मिलेगा, अगर integration को solve करोगे तो ये हो जाएगा ln, ये हो जाएगा क्या, p by p1 is equal to, ठीक है? यहां से g constant है, r क्या है, r आपके पास है कैरेक्टरिस्टिक गैस कांस्टेंट, जो कि आपके पास पर्टिकुलर एयर के लिए कांस्टेंट है, जी कांस्टेंट है, आर कांस्टेंट है। अब आपके पास क्या हो जाएगा, आपके पास यहां पे देखोगे तो आपके पास क्वेश्चन में बोल के रखा है कांस्टेंट टेम्परेचर कंडीशन है, कांस्टेंट टेम्परेचर कंडीशन है तो टीवी क्या हो जाएगा, टीवी आपके पास कांस्टेंट हो जाएगा, तो बाहर फेंक दीजिए तो ये हो गया जी कांस्टेंट है, आर कांस्टेंट है, टी कांस्टेंट है, तो यहां से क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा माइनस एच माइनस जीरो, ये हो गया, ठीक। सॉल्व करोगे तो सॉल्व करने के बाद एल एन पी बाई पी वन इज इक्वल टू, ये हो जाएगा माइनस जी एच और ये हो जाएगा आर टी, क्लियर हो गई इतनी बात, ठीक है? तो यहां से इसको आगे फर्दर अगर आप देखेंगे तो मैं क्या लिख सकता हूं, ये हो जाएगा P इज इक्वल टू पी वन ई टू द पावर माइनस जी एच और ये हो गया क्या, ये हो गया आर टी। तो ये आ गया मेरे पास क्या, ये मेरे पास आ गया प्रेशर का वेरिएशन एच के साथ। तो यहां से आप देख रहे हो कि आपके पास ये जो प्रेशर है वो एच के साथ कैसे वेरी कर रहा है, तो एच के साथ कैसे वेरी कर रहा है, एक्सपोनेंशियली वेरी कर रहा है, ठीक है? तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर इज बॉम्बे, ठीक है? आपके पास कैसा वेरिएशन है, दैट वेरिएशन इज एक्सपोनेंशियल वेरिएशन, क्लियर है पॉइंट, ठीक है? और इसी कॉन्सेप्ट को हम क्या बोलते हैं, इसी कॉन्सेप्ट को, ठीक है, जब हम एटमोस्फेरिक एयर के लिए, एटमोस्फेरिक एयर में हम प्रेशर का वेरिएशन एच के साथ देखते हैं, मतलब हाइट के साथ प्रेशर का वेरिएशन देखते हैं, और आइसोथर्मल कंडीशन अगर मेंटेन है, ठीक है, तो इसे हम क्या बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं एरोस्टैटिक, दैट इज कॉल्ड एरोस्टैटिक लॉ, क्लियर है पॉइंट, ठीक है? मैं क्या बोल रहा हूं, मैं ये बोल रहा हूं कि अगर मैं बात करता हूं किसकी, अगर मैं बात करता हूं एटमोस्फेरिक एयर में प्रेशर, आपके पास हाइट के साथ प्रेशर का वेरिएशन कैसे होने वाला है, ठीक है? हाइट के साथ प्रेशर का वेरिएशन कैसे होने वाला है, तो अगर आप फ्लूइड स्टैटिक के कॉन्सेप्ट को यूज करते हैं तो दैट इज कॉल्ड एरोस्टैटिक्स, क्लियर हो गई इतनी बात, ठीक है? तो ये आपके पास पहला क्वेश्चन था। नाउ सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, सेकंड क्वेश्चन में क्या बोल के रखा है, सेकंड क्वेश्चन में ये बोल के रखा हुआ है कि इन अ क्विजेंट सी द डेंसिटी ऑफ वाटर एट द फ्री सर्फेस इज रो नॉट एंड एट ए पॉइंट मच बिलो द सर्फेस डेंसिटी इज रो। इसका मतलब क्या, इसका मतलब डेंसिटी में वेरिएशन है। आगे आपके पास क्वेश्चन में बोल के रखा हुआ है नेग्लेक्टिंग द वेरिएशन इन जी, ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन में जो भी वेरिएशन है उसको नेग्लेक्ट करिए, और बल्क मॉडुलस की वैल्यू उसने बोल के रखा है कांस्टेंट है, ठीक है? यहां पे आपके पास बोल के रखा है कि जो बल्क मॉडुलस की वैल्यू है वो आपके पास क्या है, वो आपके पास कांस्टेंट, कांस्टेंट वैल्यू ऑफ द बल्क मॉडुलस। तो क्वेश्चन में ये है कि डेप्थ एच, डेप्थ एच निकालना है ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द फ्री सर्फेस, ठीक है? तो आपके पास एच आपको फाइंड आउट करना है, ऑप्शन आपको दिया हुआ है ए बी सी डी, आपको चार ऑप्शन गिवन है, ठीक है? तो देखते हैं सेकेंड प्रॉब्लम, तो ये आपके पास फ्री सरफेस हो गया, ये आपके पास फ्री सरफेस है, तो यहाँ पे जो डेंसिटी है वो डेंसिटी आपको देके रखा है रो नॉट। यहाँ से आप क्या करते हो, यहाँ से आप कितना डिस्टेंस आ रहे हो, आप यहाँ से h डिस्टेंस आते हो, और यहाँ पे जो डेंसिटी है वो डेंसिटी आपके पास क्या है, दैट डेंसिटी इज रो। तो आपको फाइंड करना है, आपको ये h कितना होगा ये आपको फाइंड करना है। बोल के रखा है कि जो बल्क मॉडुलस की वैल्यू दैट इज कॉन्स्टेंट, के की वैल्यू आपके पास कॉन्स्टेंट है, एंड ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन g दैट इज ऑल्सो कॉन्स्टेंट, ये आपके क्वेश्चन में बोल के रखा हुआ है।
क्लियर। अब देखिए यहां से अगर मैं फ्लूइड स्टैटिक के कॉन्सेप्ट को यूज करता हूं तो मैं क्या देखता हूं, दैट डीपी बाई डीवाई इज इक्वल टू रो जी, ठीक है, ये आपने पढ़ा हुआ है फ्लूइड स्टैटिक का कॉन्सेप्ट, डीपी बाई डीवाई इज इक्वल टू रो जी। और अगर आप बल्क मॉडल्स के कॉन्सेप्ट को पढ़े हो तो बल्क मॉडल्स आप क्या पढ़े हो, दैट के इज इक्वल टू क्या होता है, दैट इज 1 बाई बीटा, ठीक है, याद करिए। और बीटा को आप क्या लिखते थे, बीटा को आप लिखते थे दैट बीटा इज नथिंग बट दी, बीटा इज नथिंग बट द रिलेटिव चेंज इन वॉल्यूम विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन प्रेशर, ये आप लिखते हो। डेंसिटी, रिलेटिव चेंज इन डेंसिटी के फॉर्म में लिखना है तो भी आप लिख सकते हो। सो दैट बीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, दैट इज डी रो बाई रो, और ये हो गया क्या, ये हो गया डीपी, ये आपने पढ़ा हुआ है, राइट। तो यहां से अगर मैं लिखना चाहूं तो मैं लिख सकता हूं कि आपके पास बीटा आप ये लिखते हो तो आपके पास 1 बाई बीटा, तो 1 बाई बीटा आपके पास क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा रो, और ये हो गया आपके पास डीपी, और ये हो गया डी। क्लियर हो गई इतनी बात, ठीक है। तो यहां से अगर मैं डीपी कैलकुलेट करना चाहूं तो डीपी कैलकुलेट कर सकता हूं, तो डीपी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा के इंटू डी रो बाई, ये हो गया आपके पास रो। क्लियर। अब देखिए ये जो डीपी है, ये आपके पास ये जो डीपी है, इस डीपी की वैल्यू को आप यहां पे पुट करिए, तो पुट करेंगे तो आप क्या देखोगे, तो पुट करोगे तो ये हो गया आपके पास के डी रो बाई रो, और ये हो जाएगा क्या, ये हो गया आपके पास डी वाई इज इक्वल टू, ये हो गया क्या, ये हो गया आपके पास रो जी। क्लियर। अब देखिए अब इसको सॉल्व करना है तो आप सॉल्व कर सकते हो। देखिए सॉल्व करने के बाद आपके पास फाइनली क्या आ रहा है, चेक करिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट आ रहा है। तो यहां से आपके पास क्या होगा, यहां से आपके पास ये आ गया के बाई रो, नाउ डी रो डी वाई इज इक्वल टू, दिस इज नथिंग बट द रो जी, राइट। तो यहां से आपके पास देखोगे तो ये हो जाएगा डी रो बाई रो स्क्वायर एंड दैट इज इक्वल टू जी, ये हो गया जी, के नीचे आ गया, और ये हो जाएगा क्या, ये हो गया आपके पास डी वाई। क्लियर। अब देखिए अगेन आपके पास लिमिट लगा के सॉल्व करिए इंटीग्रेशन, तो सॉल्व करोगे तो आपके पास क्या हो जाएगा, वाई इज इक्वल टू जीरो, नाउ वाई इज इक्वल टू जीरो, ये हो गया वाई इज इक्वल टू जीरो, और आपके पास वाई इज इक्वल टू प्लस एच और माइनस एच क्या लेंगे, ठीक है, तो डीपी बाई डीवाई इक्वल टू रो जी यूज किया तो आपके पास क्या आ जाएगा, दैट इज प्लस एच, और सिंपली यू कैन राइट एच। नाउ वाई इज इक्वल टू जीरो पे व्हाट इज द डेंसिटी, दैट इज रो नॉट, नाउ वाई इज इक्वल टू एच पे व्हाट इज द डेंसिटी, दैट इज रो। तो यहां से अगर आप देखोगे तो ये कितना आ जाएगा, आपके पास सॉल्व करोगे इंटीग्रेशन, सो रो टू द पावर माइनस टू, सो रो टू द पावर माइनस टू प्लस वन माइनस टू प्लस वन, ये हो गया, और ये हो जाएगा लिमिट रो नॉट रो, दैट इज इक्वल टू, यहां से जी कॉन्स्टेंट है बाहर फेंकिए, के कॉन्स्टेंट है बाहर फेंकिए, अंदर में क्या हो जाएगा, दैट इज एच माइनस जीरो, ये हो गया, ठीक है। सो फर्दर आप सॉल्व करो, तो फर्दर सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा माइनस, ये हो गया, और ये हो गया 1 बाई रो, रो नॉट रो इज इक्वल टू, ये हो जाएगा जी, और ये हो गया एच, और ये हो गया के, ठीक है। यहाँ से सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस 1 बाई रो माइनस 1 बाई रो नॉट इज इक्वल टू जी एच बाई के। नाउ यहाँ से देखोगे तो एच निकालना है, तो एच इज इक्वल टू ये हो जाएगा आपके पास के बाई जी, और ये हो जाएगा 1 बाई रो नॉट माइनस 1 बाई रो, ठीक है। सो आपके पास क्या आ गया, दैट एच इज इक्वल टू के बाई जी 1 बाई रो नॉट माइनस 1 बाई रो, सो विच वन इज अ करेक्ट, तो आपके पास सी, दैट इज कलकत्ता, ठीक है, तो आपके पास सी क्या होगा, करेक्ट आंसर, ठीक है। तो ये आपके पास क्वेश्चन था जो आपके पास बेस है किस पे, डेंसिटी वेरिएशन पे। क्लियर।